बाद में एक बदमाश ने एसपी के सामने सरेंडर करते हुए कहा है कि साहब मुझे आम आदमी तरह की तरह जीना है और पुलिस मुझे परेशान न करे। इस पर एसपी अशोक मीणा ने आश्वासन दिया कि आप अपनी जिंदगी जिए, पुलिस आपको दुखी नहीं करेगा। फर्रुखाबाद के एसपी कार्यालय में हिस्ट्री सीटर अजब गजब तरीके से आत्मसमर्पण करने के पहुंचा। उसके हाथ में तख्ती थी जिस पर लिखा था, साहब मैं बेकसूर हूं, आम नागरिक की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं। जिले के टॉप 10 बदमाश के साथ उसकी मां भी मौजूद थी। उसने बताया कि बेटे मंदिर में सुधरने की सौगंध खाई है। उसके बाद एसपी ने उसे किसी के द्वारा बेवजह परेशान नहीं किया जाने का आश्वासन दिया। मोहल्ला अंगूरी बाग निवासी आदित्य कुमार राजपूत उर्फ बादल के खिलाफ शहर कोतवाली दरवाजा राजेपुर थाने में गंभीर धाराओं में 9 मुकदमे दर्ज हैं। वो कोतवाली का स्ट्रीट सीटर है और टॉप 10 बदमाश की सूची में शामिल है। वो अपनी मां लौंग श्री के साथ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के कार्यालय पहुंचा। वह हाथ में तख्ती लिए था जिस पर लिखा था, साहब मैं बेकसूर हूं, आम नागरिक की तरह जीना चाहता हूं। आदित्य ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित शपथ भी दी। इसमें कहा कि उसके खिलाफ कोतवाली में 4, मऊ दरवाजे थाने में 3 और राजेपुर थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं। सभी मुकदमों में न्यायालय से उसे जमानत मिली है। वह शांतिपूर्ण रहना चाहता है, कोई अपराध नहीं करना चाहता। अशोक कुमार मीणा ने बताया कि स्ट्रीटर अपनी माँ के साथ अपराध छोड़ने की बात कहकर एफिडेविट लेकर आया था। उसे अपराध मुक्त जीवन जीना चाहता है तो पुलिस उसका पूरा सहयोग करेगी। राहुल गुप्ता, फर्रुखाबाद, समाचार 24। सर, एक व्यक्ति आया था जो हाथ में तख्ती पकड़े हुए था अपनी माँ के साथ, और वो कह रहा था कि उस पर कई मुकदमे हैं और वो अपराध छोड़ने की बात कह रहा था, क्या था पूरा मामला? ये आदित्य राजपूत और बादल, जो कि फर्रुखाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके ऊपर 8 मुकदमे पंजीकृत हैं और वो गैंगस्टर का भी अपराधी है, जिसके ऊपर पूर्व में ये पंजीकृत हुआ था और अभी बाहर है जेल से, जमानत पर है। उसके द्वारा बताया गया है कि वो एक स्वच्छ और अपराध मुक्त जीवन जीना चाहता है, तो उसको यही बताया गया है कि आप प्रॉपर ढंग से रहें, क्राइम में दोबारा से इन्वॉल्व ना हो और किसी भी तरीके से उसको परेशान नहीं किया जाएगा, और अगर वो अपना इसी तरीके से विदाउट क्राइम जीवन जीता है तो उसके लिए उसको बताया गया है कि वो लगातार इस तरीके से अपना जीवन यापन करे। नाम है आपका? आदित्य बादल। पिताजी का क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? अंगूरिया कुलिया थाना। आज आप एसपी साहब के पास तख्ती लेके आए हैं, क्या पूरा मामला है? मामला जो है, हम अपने घर पर रहना चाहते हैं, सुधर कर रहना चाहते हैं। कारण क्या है, कोई कौन परेशान करता है? कितने मुकदमे हैं? पता नहीं, ऐसे परेशान कर। कितने मुकदमे हैं आप पर? हम पे पता नहीं, आज मुकदमे हैं। अच्छा अच्छा, तो एसपी साहब से मिल लिया आपने? तो आपके क्या कहना चाहते हैं? अपनी मम्मी के साथ घर पर रहना चाहते हैं। पहले आप आपराधिक इतिहास आपका रहा है, तो अब उसका उसके पर नजरिया कुछ बदला आपका? हाँ जी, बदला है। पुलिस सहयोग कर रही है? हाँ जी। जी, क्या नाम है आपका? लौंगश्री। ये कौन है आपके? बेटा। क्या नाम है इनका? आदित्य उर्फ बादल। आप माता जी कहाँ के रहने वाली है? थाना कुतवाली। माता जी, आज आप अपने बेटे के साथ एसपी साहब कार्यालय आई हैं जी, तो क्या बात हो गई यहाँ पे आप आई हैं? इसलिए आए कि ये सारे मुकदमे इसे झूठे लगे हुए हैं, हम इनको अपने साथ घर पर रखना चाहते हैं बस। अच्छा, अंदाज से कितने मुकदमे होंगे? 8। अच्छा, 8 मुकदमे। तो माता जी, तो इसमें क्या कप्तान साहब मिले, क्या कहा कप्तान? यही सब बातें कहा। तो कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा कि सुधरना चाहते तो रहो साथ में, मतलब पुलिस तो मतलब ऐसे आएगी तो वो जानकारी करेगी। सहयोग की बात कही है जी। अच्छा, तो इन्होंने कहीं कसम वसम भी खाई है, बता रहे अपराध छोड़ने की? हाँ जी। अच्छा, मंदिर कहाँ कसम खाई है? साईं बाबा। अच्छा अच्छा, तो मंदिरों में जाकर कसम खाई है जी। तो आपको लग रहा है कि बेटा बात मानेगा इस बार आपकी? हाँ मानेगा, मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं करता, मतलब सारे मुकदमे ये झूठे लगा दिए इसको। अच्छा, तो इस बार मतलब मानेगा आपको? मतलब साजिश से फंसा दिया। मानू जी, आज एक बार फिर आप किसी एक अपराधी को लेके आए हैं जिसपे कई मुकदमे दर्ज हैं, करीब आधा दर्जन से अधिक, तो क्या इनका उद्देश्य है, क्यों ये कप्तान साहब से मिल आए हैं? उद्देश्य ये है कि उनके पेरेंट्स का ये कहना है कि मेरे लड़के के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। कितने मुकदमे होंगे इस पे? लगभग यही होंगे, 8-9 के। तो ये कोई गैंगस्टर का भी बता रहे थे? हाँ, गैंगस्टर का, एक गैंगस्टर का मुकदमा लगा है, बाकी एक गैंगस्टर का आरोपी कहेंगे। तो यहाँ एसपी साहब पास लेके आए, इससे पहले भी आप कई अपराधियों को ला चुके हैं, तो इनका मोटिव क्या रहता है और क्या पूरा प्रोसेस रहता है? ऐसा है, इससे पहले भी हमने 2 करवाए थे,
इनको मिला के हमने तीनों गई है, और ये तीनों बच्चे जो है सुधरना चाह रहे थे, तो इन्होंने सुधरने के लिए एक अपनी घर से घर वालों माता पिता की बात मानी है। ये हमें मुझे ये लगता है कि इनको मौका मिलना चाहिए, और इससे पहले भी एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया था, तो शायद इसी वजह से किसी की इनकी हिम्मत बढ़ रही कि मुझे मौका मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस सहयोग कर रही है। हाँ, पुलिस सहयोग कर रही तो है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं पुलिस के सहयोग से जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं तो अपराध छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। जी जी, मेरा मानना भी यही है कि अगर कोई अपराधी सुधरना चाह रहा है तो उसका पूरा सहयोग किया जाए, समाज भी सहयोग करे उसका। ठीक।